ज इज कॉल्ड टू दूस अ प्लेटफॉर्मी टू हंड्रेड रिजल्ट टू द पॉइंट एक ऐसी जहां पे हम लोग करंट अफेयर की बात करते हैं प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से एक करंट अफेयर उठाते हैं और थोड़ा करते है कि क्या क्या प्रिलिम में पूछा जा सकता है और टू द पॉइंट तरीके से कवर तो करते हैं एंड वंस अ टॉपिक इज डन हेयर इन टू द पॉइंट सीरीज तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में सो यू यू विल बी एबल टू टू अचीव इट और आप उसको सही कर पाओगे एंड इफ विश कवर करंट होलिस्टिकली सो अफेयरिस्टिकलीर इज अ कोर्स दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट्स एंड वो प्री एंड मेन्स आपके दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा एंड होलिस्टिकल तरीके से पूरा कवर होता है कि आपका मेंस का सारा पार्ट भी उसमें इंक्लूडेड uh, हो जाता है एंड यू गेट अ 7 डेज फ्री ट्रायल एज़ वेल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक इट आउट अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक पे विच इज द अंबेडकर सर्किट सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ-कुछ सर्किटस -कुछ हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर थॉट को लेकर एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर जैसे देर इज सर्किट जिसको प्लान कर रखा है विच इज कॉल्ड कृष्ण सर्किट एंड कि कृष्ण जितनी भी साइट्स हैं कृष्ण रिलेटेड साइट वो सारी उसमें कवर होंगी एंड इसके अलावा वी हैव इन प्लानिंग सूफी सर्किट है वो देखते हैं अभी वैसे ही एक जो सर्किट है दिस इज कॉल्ड अम्बेडकर सर्किट जिसकी शायद आपने जो शॉर्ट्स हैं वो देखी होंगी uh, नहीं देखी तो कोई बात नहीं वेलकम डायरेक्टली टू टू द पॉइंट सर्किट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आते हैं इसके ऊपर विल कम बैक टू दिस साइट कि कौन कौन सी साइट हैं और कैसे है उससे पहले हम देखते हैं कि टूरिज्म में होता क्या है नंबर वन द गवर्नमेंट है स्वदेश दर्शन स्कीम अब ये यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि, कि किसके अंडर यह है स्वदेश दर्शन स्कीम और ये दो हजार की स्कीम है उसके अंडर आप अपने ही देश को स्वदेश के दर्शन करने के लिए जो है पंद्रह टूरिस्ट सर्किट आइडेंटिफाई किए हुए हैं और ये स्कीम का नाम है ऐसा कुछ भी जो है वो टूरिज्म के फील्ड में टूरिज्म के सेक्टर में चल रहा है बिसाइड दी रामायण एंड बुद्धि सर्किट अदर्स इंक्लूड कोस्टल सर्किट डेजर्ट सर्किट इको सर्किट हेरिटेज नॉर्थ ईस्ट हिमालयन सूफी कृष्ण जो मैं बात कर रहा था अभी आपसे रूरल ट्राइबल एंड तीर्थांकर सर्किट्स है ना ये सब भी जो है प्लानिंग में है और अगर आप देखोगे तो ये बहुत जीनियस मूव है यहां पे कि अगर किसी का एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है या कुछ भी है तो डायरेक्टली आप यहां पे इन टाइप के सर्किट के अंदर जो है आप ट्रेवल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेन कोलेबोरेशन द रामायण बुद्धिस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट सर्किट आर ऑलरेडी एक्टिव वाइल अंबेडकर विल बी फोर्थ जिसकी हम बात करने वाले हैं कि अंबेडकर सर्किट है नाउ दिस वीडियो विल नॉट इंक्लूड डॉक्टर बी आर अंबेडकर की लाइफ के बारे में या कुछ ऐसा बहुत फोकस होकर टू द पॉइंट तरीके कैसे देखेंगे कि सर्किट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है राइट मूविंग ऑन फाइव सिटीज इन टूरिस्ट सर्किट एज अनाउंस्ड आर नंबर वन ये सबको पता होगा माओ डिस्ट्रिक्ट में है माओ बर्थ प्लेस लंडन अब देखो ये इंडिया में नहीं है तो ये इंडिया के ट्रेन सर्किट का पार्ट नहीं बनेगा पर ये टूरिस्ट सर्किट का पार्ट है अब ये है जो आप आज की पॉइंट क्लास से लेके जाओगे जो प्रोबेबली आपको कहीं और वीडियोस में या कहीं और डेटा में नहीं मिलेगा ये एक चीज पकड़ने वाली चीज है कि इन केस ऑप्शन में आता है तो ये दिस सिटी इज इंक्लूडेड इन दिस सर्किट लंडन नागपुर दिल्ली एंड फाइनली मुंबई और ये सारी जगहों से कुछ ना कुछ एसोसिएटेड है वो देखते हैं अभी इन जगहों का एक नाम भी दिया गया गवर्नमेंट इज लुकिंग टू ट्रेस फुट स्टेप्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इन इंडिया बाय गिविंग बेटर कनेक्टिविटी टू फोर ऑफ दी स्पॉट और कौन सा रह गया लंडन क्योंकि वहां ट्रेन नहीं जाएगी आपकी वहां से आप ऐसे इंडिया से प्लेटफॉर्म लेके आप लंदन पे नहीं उतर सकते चलिए आगे देखते हैं आइडिया क्या है इसके पीछे द आइडिया इज टू अट्रैक्ट टूरिस्ट बियॉन्ड दलित कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी के बियॉन्ड अब दलित कम्युनिटी क्यों जाती है यहां पर हु मोस्टली विजिट दीज प्लेसिज एज अ पिलग्रिमेज तो ये यहां पे पॉइंट है कि उनका दलित कम्युनिटी के लिए पिलग्रिमेज की तरह होता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के लिए उनकी साइट्स पे जाना वहां से इंस्पिरेशन लेना द जर्नी विल इंक्लूड ग्राउंड ट्रांसपोर्ट एंड एंट्री टू दी साइट तो मतलब एक पैकेज डील की तरह आप इसको देख सकते हैं बहुत जीनियस मूव है कि इन केस आपको टूरिज्म बढ़ाना है तो वन स्टॉप पैकेज अगर आप देते हो तो इट इज अ बेटर डील एंड एज अ कंज्यूमर आप और मैं तो हमारे लिए भी अच्छा है कि हम एक बार में हम विल परचेज द टिकट और उसके बाद में द सर्किट विल कंप्लीट इट और हम जाके अलग अलग साइट देखेंगे विच विल इंक्लूड मील ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एंट्री टू दी साइट अगर कहीं घूमने जाते तो मेनली यही चीजें होती हैं एक बार हम साइट uh, को देख लेते हैं कि उनका क्या नाम है नंबर इज जन्मभूमि अम्बेडकर बर्थ प्लेस कहां पे मध्य प्रदेश माउम सेकंड इज शिक्षा भूमि प्लेस इन लंडन ही स्टेड वाइल स्टडिंग इन द यूके पर ये जो है वो इस सर्किट में कनेक्ट नहीं होगा ट्रेन के थ्रू ये याद रखने वाली चीज है दीक्षा भूमि द प्लेस इन नागपुर ही एम्ब्रेज बुद्धिज्म कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक नया फॉर्म जैसे हीनयान महायान वज्रयान होता है एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है वो स्टार्ट किया था वो कौन सा है प्लीज कमेंट में लिख के बताइए आप महापरिनिर्वाण भूमि द प्लेस ऑफ इज डिमाइस इन दिल्ली एंड चैत्य भूमि द प्लेस ऑफ इज क्रीमेशन इन मुंबई एक बार हम इसको मैप पे देख लेते हैं थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाएगी वी हैव जन्म भूमि यहाँ पड़ता है देन वी हैव उसके बाद दीक्षा भूमि नागपुर वी हैव महापरि पर निर्वाण भूमि विच इज डेली एंड देन वी हैव मुंबई द प्लेस ऑफ क्रिमेशन इसके साथ में किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है और एक जो आपको मैं सिंपलिस्टिक सा कुछ अगर बताऊं तो दिस इज द सिंपलिस्टिक फॉर्म जो क्वेश्चन की आती है दिस दिस फॉल्स अंडर इजी कैटेगरी बिकॉज इवन विदाउट नोइंग आप इसको थोड़ा सा गेस कर सकते हो हाउ एवर यू विल भी कंफ्यूज ये तो पता लगेगा कि हाँ यार इसमें तो माओ तो होना ही चाहिए बड़ी क्वेश्चन पढ़ते हैं विच ऑफ इज नॉट इंक्लूडेड इन अंबेडकर सर्किट नंबर वन नागपुर डेली माओ एंड पुणे अब पुणे यहां पे क्यों डाला हुआ है बिकॉज पुणे से आप कंफ्यूज हो सकते कि पुना पैक्ट एक हुआ था कि यार ओके okay, शायद ये पुना इंक्लूडेड होगा बट हमें पता है कि ये आंसर है बाकी हमने हमको पता है कि जन्मभूमि और निर्वाण भूमि है ना और ये सब हमें पता है दिस इज इट तो ये कुछ आज का टॉपिक रहा है एंड थोड़ी सी जो टूरिज्म सर्किट है इसके बारे में आप और भी रिसर्च कर सकते हैं अपने लेवल पे ताकि प्रीलिम्स के ऊपर अगर टूरिज्म सर्किट और जो बाकी हैं उनके उनके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट माय नेम इज रोहित गर्चा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इज अभिमन्यू आई